पत्रकार का पेशा देखा कि बोल रही है मैं आप गोलदम से भी हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्तिक का किचन। अभी ठंड का मौसम है और मकर संक्रांति भी आने वाला है, इसलिए हम आज बादाम पट्टी, इसके लिए हम लोग बादाम और गुड़ लिए हैं। बादाम पट्टी के बाद फिर हम मुरमुरे का लड्डू बनाएंगे, उसके बाद फिर हम चिड़वा का लड्डू बनाएंगे, उसके बाद हम फिर धान का लावा का लड्डू बनाएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, हम चीट बादाम बनाने वाले हैं, बादाम का पट्टी बनाने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा पहले पानी ले लेगा, हमने 1 किलो गुड़ लिए हैं, हमने 1 किलो गुड़ लिए हैं और 1/2 किलो बादाम लिए हैं। पहले गुड़ को पानी में डाल दे रहे हैं, गुड़ को हम अच्छी तरह से पहले तोड़ लेंगे। तोड़ के अच्छी तरह से तो हम पानी में अच्छी तरह से गला लेंगे। पहले गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखेंगे, जैसी हाई नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ पूरा गल चुका है, अब इसे हम हिलाते हुए इसे पकाना है। गैस का फ्लेम लो पर रखेंगे, इसे हम कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए पकाना है। सात से 8 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। इसे हम पहले पानी में डाल ले रहे हैं, पर ठंडा कर ले रहा पानी वाला। अगर ये टूटने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बादाम पट्टी के लिए गुड़ तैयार है। देखिए दोस्तों, अभी ये अच्छी तरह टूट नहीं रहा, इसे थोड़ा और पकाना है। दो मिनट के बाद एक बार हम फिर चेक कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ अब बादाम पट्टी के लिए तैयार है, कट कर टूट जा रहा।
गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दे रहे हैं। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, हमारा जो बादाम पट्टी है और भी कुरकुरे बनेंगे। हम इसमें अपना सारा बादाम इसमें हम डाल दे रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे किसी भी थाली या बर्तन किसी भी आप इसे अच्छी तरह से तेल लगा के ढाल लेंगे। तो ये हमारा बादाम पूरा अच्छी तरह से भून कर मिल चुका है। तो उसको हम यहाँ पे इसे बनाएंगे, इसे हम अच्छी तरह साफ कर लिए। पहले हम एक अच्छी तरह से तेल से इसमें पहले तेल लगा लेंगे। फिर हम सरसों का तेल लेंगे। दोस्तों हम इस जगह पर बनाएंगे बादाम पट्टी, इसलिए इस जगह पर पहले सरसों का तेल अच्छी तरह से लगा लिए हैं। अब इसी को हम अपना बादाम पट्टी बनाएंगे। दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। दोस्तों पहले सरसों का तेल अच्छी तरह से अपने हाथ में लगा लेंगे, तो हम फिर इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। हम गर्म रहते हैं, जितना फैलाना फैला सकते हैं उतना फैला लेंगे। ठंडा होने के बाद क्योंकि यह सख्त हो जाता है इसलिए सब नहीं फैला सकते। दोस्तों इसे हम अब पूरा पतला कर चुके हैं। अब हम इसे गर्म रहते हुए ही इसे हमें काटना है। अब हम इसे पहले काट ले रहे हैं। दोस्तों हम छुरी में पहले तेल लगा ले रहे हैं, छुरी में भी चिपक जाते हैं। छुरी हम थोड़ा मजबूत छुरी लेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए वो मजबूत छुरी चाहिए। ऐसे आप जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। दोस्तों हमारा बादाम का चिक्की तैयार हो चुका है।
अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर ठंडा होने के बाद इसे हम फिर अपना तोड़ तोड़ के इसे निकाल लेंगे। दोस्तों अब हमारा बादाम का चिक्की ठंडी हो चुकी है, चलिए इसे अब तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान से टूट जा रहा है। दोस्तों कितने कुरकुरे बने हैं हमारे बादाम के पट्टी। देखिए दोस्तों कितने कुरकुरे बने हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम सारे बादाम पट्टी तोड़ लिए हैं। दोस्तों अभी हम बादाम पट्टी के कढ़ाई में ही मूढ़ी का लड्डू बनाएंगे। मूढ़ी का लड्डू बनाने के लिए हमने 300 ग्राम गुड़ लिए हैं। चलिए पहले हम गैस का ओवन ऑन करते हैं। दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत देर होगा चाशनी होने में। गुड़ को भींगने तक ही हम इसमें पानी डालते हैं। अब हम इसमें गुड़ डाल दे रहे हैं। गुड़ को हम अच्छी तरह से इसे छोड़ लेंगे। को हम अच्छी तरह से पहले पिघला लेंगे। दोस्तों हमारा गुड़ अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद गुड़ का कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। इसे हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है। बादाम पट्टी में क्या होता है, हमें लगातार हिलाते हुए पकाना पड़ता है, लेकिन मुरमुरे के लड्डू में या किसी के भी लड्डू में हमें गुड़ को ज़्यादा हिलाना नहीं पड़ता है। अब इसी तरह से इसे हम बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है। दोस्तों हमारा गुड़ कलर भी चेंज हो गया है। देखिए दोस्तों हमारा गुड़ कढ़ाई छोड़ रहा है। जब हमारा गुड़ कढ़ाई छोड़ने लग जाए तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा लड्डू बनने का तैयार हो चुका है हमारा गुड़। देखिए दोस्तों हमारा गुड़ छोड़ रहा है कढ़ाई। अब हम इसे इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो मुरमुरे हैं उसे डाल दे रहे हैं।
देखिए दोस्तों, हमारा मुरमुरे का लड्डू बनने के लिए तैयार है। तब से हम गोल गोल आकार में इसे बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अपने हाथों पे सरसों का तेल लगा लेंगे। इसे अपने साइज में इसे हम गोल गोल कर लेंगे। इसे हम ज्यादा प्रेशर देकर गोल नहीं करके हल्का प्रेशर देकर कि अपने हाथों को हिलाएंगे, अपने आप गोल होते चल जाएगा। देखिए दोस्तों, दोस्तों जब भी हम इसे गोल करें हम इसे चारों तरफ से उठाएंगे, एक जगह से नहीं उठाएंगे। ठंडा होने के बाद यह सख्त हो जाएगा। दोस्तों हमारा मुड़ी का लड्डू बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर बने हैं हमारा लड्डू। दोस्तों अभी हम चिड़वा का लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमने 300 ग्राम गुड़ लिए। चिड़वा को हम पहले भून लिए थे। भुना हुआ चिड़वा का ही ये लड्डू बनता है। चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी ले ले रहे हैं। अब हम इसमें सारे गुड़ डाल दे रहे हैं। गुड़ को हम अच्छी तरह से पहले तोड़ लेंगे। तोड़ के हम इसे अच्छा तरह से गला लेंगे। तो गुड़ को हम अच्छी तरह से पानी में मिला लिए। देखिए हमारा सारा गुड़ भर चुका है। अब इसी तरह से 5 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। इसे बीच बीच में हिलाते हुए 5 मिनट तक पकाना है। देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ चिड़वा का लड्डू के लिए तैयार हो चुका है। देखिए हमारा गुड़ कढ़ाई छोड़ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, जब कढ़ाई छोड़ने लगे गुड़, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा गुड़ लड्डू के लिए बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं। चिड़वा हम पहले थोड़ा कम करके डालेंगे। जैसा हमको लगेगा हमको और चिड़वा डालना है, उसे हम फिर बाद थोड़ी देर बाद फिर डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमको गुड़ ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा चिड़वा और डालेंगे। चूड़ा अच्छी तरह से गुड़ में मिल चुका है। अभी लड्डू बनाएंगे इसका। लड्डू बनाने से पहले सबसे पहले हम तेल लगा लेंगे। सरसों का तेल लगाएंगे अच्छी तरह से अपने हाथों पर। आपको जिस तरह का साइज पसंद है उस तरह का आप साइज बना करके बना सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर से हमको गोल नहीं करना,
हल्का प्रेशर देकर के इसे अपने हाथों को हिलाना है। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, हल्का प्रेशर देकर के कर रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर देकर बनाएंगे तो यह जल्दी गोल नहीं होगा। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। दोस्तों, हमारा चिड़वा का लड्डू बनकर तैयार है, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी हम धान के लावा का लड्डू बनाएंगे। उसके लिए हमने 300 गुड़ लिए हैं। पहले हम गैस पर ओवन ऑन कर ले रहे हैं। हम कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम सारे गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को हम अच्छी तरह से तोड़ के पहले गला लेंगे। दोस्तों, हमारा गुड़ा गल चुका है। इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, बीच बीच में हिलाएंगे। इसे हम 2 फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसे हम 5 मिनट तक पकाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ बनकर तैयार है। इसका कलर भी चेंज हो गया और गुड़ कढ़ाई को छोड़ने भी लगा है, देख सकते हैं दोस्तों। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दोस्तों, और गुड़ छोड़ रहा है कढ़ाई को। अब इसमें हम धान के लावा को डाल देंगे। पहले थोड़ा कम कम ही डालेंगे, बाद में जब गुड़ ज्यादा लगेगा तब हम फिर और डाल देंगे। दोस्तों, इसमें अब थोड़ा सा लगेगा, डाल दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा गुड़ में पूरा लावा मिक्स हो चुका है। अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सरसों का तेल अपने हाथों पर लगा लेंगे। आपको जिस तरह का साइज पसंद है आप उस तरह का गोल बनाते जाइए। ज्यादा प्रेशर देकर इसे भी नहीं बनाना है, हल्का प्रेशर से ही गोल करना है। ज्यादा प्रेशर दीजिएगा तो भी गोल नहीं बनेगा। हल्का हल्का प्रेशर देकर हाथ ही लाइए, गोल अपने आप बनते चले जाएगा। कितना आसानी से गोल गोल बन रहा, हल्का हल्का प्रेशर देकर के गोल करिए, अपने आप गोल बनते भी जाए। देखिए दोस्तों, हमारा धान के लावा का लड्डू बनकर तैयार है।